बेटा टेस्ट में हमारा थर्मल आ रहा है ना, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है ना फिजिक्स के अंदर। बाकी सब्जेक्ट में रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह और वो बॉडी के फ्लूइड्स वगैरह आ रहे हैं बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कौन सा फ्लूइड है वो, है ना, वही होता है ना बॉडी के फ्लूइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी इन SHM। ठीक है, तो चलो, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या बात कर ली थी, y इज इक्वल टू S sin ωt, SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने निकाली। उसके बाद हमने वेलोसिटी की भी निकाली थी, ओमेगा ए क्या होती है, कॉस ओमेगा टी, यस। ठीक है, ये टाइम की टर्म में है। उसके बाद एक और चीज निकाली थी हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा है ना अंडर रूट ऑफ a² - y² ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में वेलोसिटी। यानी कि कोई पार्टिकल की हमें पोजीशन दे दी जाए कहीं पर, ठीक है, SHM के अंदर, तो हम उसकी वेलोसिटी वहां पर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। और कुछ टाइम भी दे दिया जाए तब भी हम बता देंगे कि उस टाइम पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना। यही चीजें हमने फाइंड आउट कर दी लास्ट क्लास के अंदर, यस। और एक यस सर, एक चीज और देखी थी हमने, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ सर्कुलर सर्कुलर मोशन मोशन, इज व्हाट, SHM। ठीक है, ये क्या होता है SHM, यानी कि पार्टिकल हमारा इसके ऊपर घूम रहा हो तो उसकी जब हम परछाई देखेंगे तो वो नीचे इस पे ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है ना। यही कहानी देखी थी हमने लास्ट क्लास में, यस सर, चलिए यस सर, अच्छी बात है। चलो चलो चलो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या, यस सर, करना। चलो हाँ सर, कर ही लिया ये था। भी कर लिया था। चलो अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन इन SHM। ठीक है, वेलोसिटी तक बात कर ली हमने, वेलोसिटी होती है हमारी कितनी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो हमें कौन मिलेगा, एक्सेलरेशन भाई साहब, है ना। चलो ठीक है, तो कर दो डिफरेंशिएशन, ए इज गोइंग आउट टू बी d/dt ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। कॉन्स्टेंट चीज है बाहर, अंदर कौन बचा, कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस में, है ना। तो ए इज गोइंग आउट टू बी साइन ओमेगा ए माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, है ना, यही होता है। अब अंदर देखा कि ओमेगा टी एक और एक्स्ट्रा चीज है, तो एक्स्ट्रा चीज बर्गर है, ठीक है, तो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली ओमेगा, है ना, ये होगा ना भाई। सर, चलो यस तो सर, यहाँ पर चीजें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी माइनस ऑफ ωs² a sin ω। ये एक्सिलेशन आ गया हमारा किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की टर्म्स में हमारा एक्सिलेशन आ गया। यानी कि पार्टिकल का कोई एक टाइम हमें दे दिया जाए तो हम बता देंगे कि उसका उस मूवमेंट के ऊपर एक्सिलेशन कितना होगा, ठीक है। एक चीज और जानते हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ωt, है ना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। SHM की इक्वेशन यहाँ पर दिख रही है सेम टू सेम, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग आउट टू बी a इज इक्वल टू माइनस ωs² y, ठीक है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पार्टिकल की कोई एक पोजीशन हमें दे दी जाए तो हम बता पाएंगे कि हमारा पार्टिकल का उस पोजीशन के ऊपर क्या एक्सिलरेशन कितना होगा, है ना, बता सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और खुश हो जाओ। ये वाई वाई के टर्म में लिख सकते हो आप इसको, वाई 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 एंड वाई, ठीक है, नहीं, यस। यस सर। चलिए अच्छी बात है,
अब एक और बात करते हैं कुछ कुछ स्पेशल केसेस की। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल हमारा मेन पोजीशन पर होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो वो बातें हवा में नहीं थी, है ना, वो बातें सच थी। तो कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, स्पेशल काइसेस। ठीक है, तो स्पेशल काइसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी, अगर हमारा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। यस, यही होगा है भाई, जो कि मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लगता सर है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता था, माइनस एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। वही चीज लिखी है यहाँ पर। एक और बात बोली जाए, बोलते हैं दूसरी बात कि हमारा पार्टिकल हो मीन पोजीशन पर तो एक्सेलरेशन कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। मीन पोजीशन यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो, मीन पोजीशन यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि वाई इज इक्वल टू ए। तो दिस इज गोइंग आउट टू बी शून्य। यस, है ना, तो यहाँ पर हमारा जो यस एक्सेलरेशन सर, होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होगा, है ना। तो ये चीज हमारे पास दी गई है। तो एक्सेलरेशन और एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाए हम। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, दिस इज ए एंड वाई। ठीक है, तो निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है ना, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। यस, उल्टी तरफ झुका हुआ, क्योंकि यहां यस पर निगेटिव साइन है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, सर। स्लोप हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। चलो, एक्सिलरेशन और टाइम ग्राफ बनाते हैं, एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा रे तू, कैसा, ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा। ठीक, साइन का ग्राफ कैसा होता है, चुपके से बना देंगे, साइन एक्स ऐसा होता है, साइन के आगे लगा दिया माइनस, है ना। तो यहां पर एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, उल्टा साइन ग्राफ। यस, यहां पर निगेटिव वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी और पॉजिटिव उधर चली जाएंगी, यस है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे जो साइन भाई साहब है उनकी रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन। जब इसकी वैल्यू माइनस वन होगी तो हमारा जो एक्सिलरेशन है पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो हमारा एक्सिलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए होगा, है कि नहीं। यस, हमारे पास एक चीज थी, क्या थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आता था, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अंदर। ठीक है, और वी इज इक्वल टू क्या थी, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। तो इसके अंदर कैसा ग्राफ आता था, ऐसा कोस का ग्राफ, है ना, वन से शुरू होता था। याद है कहानियां लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने, यस बोलिए। ओके सर, यस ओके, दो बच्चों को याद है और बाकियों को भी याद है क्या, या सन्नाटे में पहुंच चुके हो। ओके, नाइस, सर याद है। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, या मजा आया। चलो, तो एक्सेलरेशन की कहानी हो चुकी है कंप्लीट, अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स है। तो वी नीड टू डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम एक्सिलरेशन, मैक्सिमम एक्सिलरेशन इसका फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड हमें 0.01 मीटर, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ 60 हर्ट्स दी हुई है। अभी मैक्सिमम एक्सिलरेशन निकाल के आ रहे हैं, कितना, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी,
हाँ जी, समस्त छात्र छात्राएं कृपया बताएं। पाई की टर्म में बता देना, ठीक है? घबराना मत कि पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मत करो पुट पाई की। क्या फॉर्मूला होता है? ए मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा की वैल्यू पुट करो और खुश हो जाओ। ओमेगा कितना? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इनटू है 1.2 पाई। ओ माय गॉड। चलो तो इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी? 60 का स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी? 0.01। यस, 144 पाई स्क्वायर। नो इश्यूज बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहानी हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर 3600 टेन रेस टू द पावर -2। 4 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा खुशी से, जो कि पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारा आंसर आ चुका है। यस, किसी को कोई परेशानी इसके अंदर? एनीबॉडी, एनी नो समस्या? सर, चलिए, ओके, बढ़िया, नो सर, नो ओके समस्या। ओके 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 ओके, वेरी नाइस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीट सितंबर 2020 के अंदर आया हुआ सवाल जो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सिलरेशन में कितना फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का डिफरेंस होता है। सर पाई रेडियन। क्या बात है! और कोई और कुछ कह रहा है क्या? बोलिए छात्रों। डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है? एक्सिलरेशन दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। यस, सी 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 सी, ठीक है? तो एंगल का डिफरेंस, इसका एंगल है ओमेगा टी, इसका भी एंगल ओमेगा टी, तो 0 होना चाहिए। अरे नहीं सर, ये चीज को सही करो आप पहले, ठीक है? तो यहां पर ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए एकदम सेम है। साइन यस पाई प्लस ओमेगा टी, ठीक है? यही लिखेंगे। माइनस साइन क्या होता है? पाई प्लस ओमेगा टी है ना। यस सर। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा है ना। अब इनके एंगल्स को माइनस कर अरे देंगे, ए और बी डेल्टा तो पाई सेम है। कौन है और भी? यस हाँ, इनको जाने दो, इसको सर, पाई ए बाई और बी टू तो कर सेम देना, है। यस पाई बाई टू कर दो। तो ये गलत है, कल गलत थैंक यू। छपाई, गलत छपाई के लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे। पाई बाई टू कर दो इसको बस, ठीक है? तो यहाँ पर डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई। तो पाई से पाई की धज्जियां उड़ जाएगी है ना। यहाँ पर आएगा ओमेगा टी, ठीक है ना? इसका एंगल और इसका एंगल माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? ओनली पाई। तो दैट इज मैचिंग ऑप्शन नंबर सी है ना। सी। यहाँ पर इसका ग्राफ था ऐसा यस और इनका ग्राफ था जस्ट उल्टा, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के अंदर फेज डिफरेंस पाई बताओ तो बाय पाई टू बाय टू होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये टी। इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है? चलो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। चलो तो SHM के अंदर हमारा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक टाइम पीरियड में? SHM के अंदर हमारा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक टाइम पीरियड? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक टाइम पीरियड? जीरो जीरो सर। ओ माय गॉड, डिस्टेंस बच्चे, डिस्प्लेसमेंट नहीं। यस सर। 4A। 4A। देखो पार्टिकल मीन पोजीशन पर चिल्ला रहा होगा बैठ के, ओए मुझे एक्सट्रीम पर जाना है, ओए मुझे एक्सट्रीम पर जाना है, ठीक है? तो यहां से चिल्लाना स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से चिल्ला के वापस मीन पर आ जाएगा, फिर वापस से एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन के ऊपर।
ठीक है चलो, तो यहाँ पर ए ए ए ए, तो कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, दैट इज सिंपली 4a. क्लियर? यस. चलो एक और सवाल. एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सेलरेटिंग एफएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी ओमेगा है तो मैक्सिमम हो जाती है. ऐसा ग्राफ आता है इसका. यस जीरो हो जाएगी. देखो ये पॉजिटिव वैल्यूज यस और नीचे इसी के जस्ट बराबर कितनी नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है तो एवरेज कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. क्लियर? ठीक है. वन टाइम पीरियड में एवरेज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये क्या होता है? जीरो है ना, और इनका स्क्वायर का 1/2 होता है. ठीक है चलो चलते हैं आगे. अब काइनेटिक एनर्जी की बातें करते हैं. ठीक है, हमारे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके पास एनर्जी भी होना चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर एक. हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है चलो, तो v को पुट कर दो इसके अंदर और खुश हो जाओ कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी कितनी? हाफ m ओमेगा a कॉस ओमेगा t का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इन भाई सब का स्क्वायर कर दो तो ये और ज्यादा खुश हो जाएंगे. ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है ना, एक चीज पढ़ते हुए आ रहे थे कि हम एसएचएम की इक्वेशन जब निकाली थी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम. यस जानते हो क्या इसको? यानी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको के ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. लिख दिया भाई. ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारी किसकी फॉर्म में? टाइम की. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टाइम. ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना. ठीक है, तो वो भी लिख सकता हूं मैं. ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं हमारी मैथमेटिक्स की वजह से. तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टाइम. चलो, तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम सर कुछ नहीं जानते हैं, हम सीधे साधे बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं देखा. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर है ना, इस फॉर्मूले से. तो दिस इज गोइंग आउट टू बी के ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. यस और नो? और वाई इज इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी. तो वाई अपॉन ए कितना हो जाएगा? दिस इज साइन ओमेगा टी हो गया. तो यहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? के ई इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर वन माइनस ऑफ
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो यस और नो। यस सर। चलो ठीक है, तो यहां से इसको ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, यस क्लियर कहानी। हाँ जी बोलिए। अब हम बातें करते थे, क्या बातें करते थे कि मीन पोजीशन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। पार्टिकल ये से भाग रहा हो एक्सट्रीम एक्सट्रीम और मीन के बीच में, तो यहां पर मीन पोजीशन जब आएगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शून्य। यस भाई, खुद से खुद की दूरी जीरो है क्या, नहीं मेरे से मेरे की दूरी जीरो। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एट y is equal to zero पे, यानी के मीन पोजीशन के ऊपर, हाफ के ए स्क्वायर है ना। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी, एट y is equal to a, यानी के एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी शून्य। यस वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि y is equal to क्या हो चुका है, a हो चुका है। ठीक है, तो ये बातें याद रहेगी। ग्राफ बना डालें काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में। चलो चलो चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वाई। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी को चढ़ा देंगे, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को लेके आ जाएंगे, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो एक डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है, तो यहां पर माइनस ए, यहां पर प्लस ए, यहां पर वैल्यू कितनी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यही था क्या, यस। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, यस। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए, y इज इक्वल टू ए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखो एक y एक्सिस पे, इस एक्सिस पे क्या रहेगी, जीरो। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो है ना। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। चलो अब बातें करते हैं, मिलके आते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से मिलके आते हैं, इसमें क्या कहानी होगी। एस एच एम स्प्रिंग को लेके आते हैं, स्प्रिंग कहाँ गई, स्प्रिंग लेके आओ उसे। जलेबियां कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो पार्टिकल है हमारा यहाँ पर, किसी को आया गुस्सा, उसने लगाया इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हमारी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था के, और स्प्रिंग को भी आया गुस्सा, इसने उसको कुछ ना कुछ इस एक्सटर्नल फोर्स ने डी वाई डिस्टेंस से दबा दिया, तो स्प्रिंग को भी आएगा गुस्सा और ये क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, तो यहां पर लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, चलो तो अब बाहर के फोर्स ने हमारे ब्लॉक को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दिया तो कुछ ना कुछ काम कर दिया। ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल ने डिस्प्लेस किया डीवाई से, तो एफ इंटू डीवाई वर्क कर दिया, यस। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि यहां पर ये डायरेक्शन बदलो तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ क्या होता है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज माइनस ऑफ के वाई है ना, यस। और क्या हर मोमेंट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और हमारी जो स्प्रिंग का फोर्स है वो बराबर रहेगा, धीरे धीरे दबा रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यानी कि हर एक मोमेंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
ठीक है ना? यस मनोज, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सो यहाँ पर और कहानियां लिखते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के बराबर। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ के वाई माइनस ऑफ के वाई डी वाई। अब जो हम काम करते हैं, जो हम काम करते हैं, ठीक है, वर्क डन स्टोर्स इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो U इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, यस और नो? यही होता है भाई, ये भी तो होता है ना, U इज इक्वल टू F डॉट डी एक्स माइनस ऑफ F डॉट डी एक्स, तो F डॉट डी एक्स यही लिख दिया हमने, डी डब्ल्यू, ठीक है, तो ये जो वर्क डन किया हमने वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया स्प्रिंग, ठीक है, तो U इज गोइंग आउट टू बी कितना, माइनस से माइनस खत्म सब कुछ, तो के वाई डी वाई, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो और डिफरेंस इंटीग्रेशन कर डालो, ठीक है ना, तो U इज इक्वल टू के वाई डी वाई, करिए इंटीग्रेशन, मान लेते हैं जीरो पहले था और वाई डिस्टेंस तक उसने दबाया, तो U इज गोइंग आउट टू बी के, कितना हो जाएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन इसका, वाई स्क्वायर बाई टू, यस और नो? इस तरीके का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, बोलिए, ओके, आता है, अच्छी बात है, ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके खुश हो जाओ, के इज गोइंग आउट टू बी हाफ के वाई स्क्वायर, यही हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग आ गई, जो कि SHM के अंदर कहानी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो पुट कर देंगे और फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ये हमारे नीट के सिलेबस में तो है, ठीक है ना, और यहाँ है हमारी एनर्जी वेनर्जी की बातें करनी होती है हमें, ठीक है, हमारी इसके सिलेबस में भी है, क्या नाम है इसका, हमारे बस वो डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह ही नहीं है, ये सारी बातें हैं बल्कि, ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ के ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डी, अरे बहुत सिंपल तो मैथमेटिक्स चल रही है भाई, ठीक है, काहे परेशान हो रहे हो, काहे भैया काहे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के वाई स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाओ, तो बन जाएगा एक अपवर्ड पैराबोला, पोटेंशियल एनर्जी और वाई, चलिए शुरू करते हैं, इस तरीके का ग्राफ आएगा, उल्टी छतरी है ना, यस, देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जैसे जैसे दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, अब देखो हमने एक बात करी थी बच्चों कि जो हमारी पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी होती है ना SHM के अंदर, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चलिए मिलकर चेक करते हैं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो चलो और चीजें लिखते हैं, तो इज गोइंग आउट टू बी हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सेम चीज है, बाहर निकाल लीजिए और बना दीजिए हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अरे चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, कि सन्नाटे में जाते जा रहे हो, मैं बस डेरिवेशन करे जा रहा हूं, बोलिए बोलिए श्रीमान, यस सर, नो क्लियर, क्लियर है, ओके, अच्छी बात है, तो इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, है ना, यही होगा, ये तो वन होता है भाई, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज वन, ठीक है ना, तो ये है हमारे पास, ये कहानी हो गई, हाफ के ए स्क्वायर हो गया, तो वापस से हम देखें
कि के भाई साहब एंड ए भाई साहब क्या है, कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हेंस थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है भैया, ठीक है, यही बात हमने बोली थी बच्चों कि टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेंट रहती है। क्या ये बात साबित हो चुकी है, ठीक है, आज की ताजा खबर में? चलिए तो और बातें करते हैं। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं इस तरह की, ये ग्राफ, ये वाई और यहां पर एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, उल्टी खोपड़ी वाला इस तरीके से छतरी, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाना, थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जस्ट उल्टी, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब यहां पर इनका जो टोटल आता है हमेशा बना रहता है एक कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है हमेशा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और जहां पर ये कट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर होती है, यस, माइनस ऑफ ए बाय रूट टू पर और ए बाय रूट टू के ऊपर ये होती है हमारी क्या, बिरोबर, ठीक है। ये टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के स्क्वायर कॉन्स्टेंट बनी रहती है। क्लियर है कहानी? यस सर। सर एक बार बैक स्लाइड दिखा दो। ओके, नाइस। अब हम बात कर लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, अरे इतनी मेहनत ना करिए पुत्र, ठीक है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर फंक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही बनेगा, ठीक है, इनकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं होगी। चलिए तो हम बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस के ऊपर, यहां पर टाइम के साथ ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे बनेगी ठीक है। ये कौन है, ये कौन है भाई, नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन है ये, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक? तो ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ की, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। आस्तीन का सांप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बड़ा ही गंदा बन रहा है, उफो, 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 उफो। चलो ठीक है, तो ये डैश लाइन वाला जो होगा इसको मैं प्रिंटेड फॉर्म में भेज दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए, यस, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, जो कि जीरो से स्टार्ट कर रहा है और कहां पे खत्म होगा, इधर मैक्सिमम पर, इस तरीके से चलता जाएगा। और इनका हमेशा समेशन कितना आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, जो कि कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं बच्चों इन सबके एवरेज की वन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। एवरेज एनर्जी
इन एस एच एम एवरेज एनर गी इन एस एच एम इन वन टाइम पीरियड. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जब आप निकालने जाओगे तो ये बोलेगा कि हमारा एवरेज निकालने आए हो तो निकाल के बताओ. ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी. ठीक है, एवरेज का साइन ये वाला होता है, दो दिशाएं. ठीक है ना, ये एवरेज का साइन है. ठीक है, चलो अब बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट चीजों को, वो तो हमेशा के रहेंगे सेम टू सेम. तो ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अंदर बचेगा बदलती ही चीज कोस स्क्वायर ओमेगा टी. अब मैंने एक बात आपको पहले बताई हो या नहीं बताई हो, अभी याद रख लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर साइन थीटा का एवरेज और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हमेशा कितना लिया जाता है, 1/2 आता है. ठीक है ना, और जब ये पावर के साथ में नहीं होंगे तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है क्या बात? यस. चलिए, तो यहां पर ये बात हो चुकी है, तो यहां पर एवरेज आएगा, एवरेज आएगा बच्चा, आएगा कितना आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज गोइंग ऑफ टू बी 1/4 के ए स्क्वायर. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, एवरेज है. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज निकाल सकते हो आप, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी अगेन सेम टू सेम थिंग्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर से वही कहानियां होगी और ये बात बन जाएगी हमारी कैसी, 1/4 के ए स्क्वायर. यस, है ना, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों. ठीक है, इसमें वही कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकाल दोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालोगे एवरेज तो कितना आएगा, 1/2 आएगा. ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया. थर्ड चीज, टोटल एनर्जी का एवरेज निकालिए. आइए बच्चों मिलकर निकालें टोटल एनर्जी का एवरेज, दैट इज गोइंग आउट टू बी अगेन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी अगेन हाफ के ए स्क्वायर. कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि ये भाई साहब हमेशा के रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है ना, हर एक मोमेंट के ऊपर. ठीक है, तो ये इसका एवरेज कितना आएगा, है ना. देखो यार, मैथ्स पढ़ानी पड़ती है, क्या करें, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं. एक्सटेंडेड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज फिजिक्स, समझे बालक. ठीक है, यस, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से होके अब क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, सॉरी फिजिक्स हो जाएगा. चलो ठीक है ना, तो क्लियर है कहानी, ये ट्वेल्थ में भी है, ये ट्वेल्थ में भी आएगा हमारा. ठीक है ना, ट्वेल्थ के अंदर भी आएगा, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे ना क्या आएगा. ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत हुआ आज के लिए क्रियाकलाप, चलिए शुरू हो जाइए. हमारा एक पार्टिकल है, वो ओसिलेट करता है एस एच एम के अंदर. ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विद टाइम पीरियड टी. So we need to determine the ratio of the kinetic energy and potential energy at time t is equal to t by 12. ये चीज हमने निकाली थी पुत्र, t by 12 पे हमारी चीज कहाँ पहुंच जाती है, यही तो बात है. हम जिस चीज से भागते हैं ना, वही चीज हमारा पीछा करती है. डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, उसके आगे जीत है. बात सही है, लेकिन डीओ मत पीना, सर्दी हो जाएगी. तो t is equal to टी बाय 12 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है. इस टाइम के ऊपर पार्टिकल हमारा कहां घूम रहा होगा, आप निकाल सकते हो इसको इस इक्वेशन से, ए साइन ओमेगा टी से. ओमेगा भाई साहब हमारे होते हैं 2π बाय टाइम पीरियड. हाँ यार, ये इससे मत डरो यार, बेसिक मैथमेटिक्स से सच बता रहा हूँ, तो बच गए हो मैथमेटिक्स से. अभी जेई के लिए जाते हैं ना, तो बस फिर तो क्या ही हो जाता हमारा. ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा एडवांस मैथमेटिक्स.
अरे नहा धो के पड़ी है बेटा, हाथ पैर कहाँ धोई है उसने, सर्दी के अंदर भी नहा धो के पड़ी है वो भी, हाथ पैर नहीं धोए। चलो। भाई पोजीशन निकाल लो और काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में पटक दो। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के वाई स्क्वायर। यस, एक आंसर आया 3:1। हाँ नीट दो ना, तो नीट के अंदर भी तो जरूरी है, छोटी छोटी बातें तो जरूरी है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो y इज गोइंग आउट टू बी ए साइन 2π बाय टाइम पीरियड, ठीक है, डेट इज t, स्मॉल t की वैल्यू कितनी है, t बाय 12। t से t की धज्जिया, 2 से ये 6 टाइम चला गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, ए साइन पाई बाय 6 जो कि साइन 30 होता है, ठीक है ना। दो आंसर आए अभी तक, 3:1 आएगा। और बच्चे कहाँ चले गए भाई, वेर आर यू गाइस, कहाँ हो तुम, यस यही है, सर। चलो अच्छी बात है, ठीक है। साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a/2। y की वैल्यू आ चुकी है a/2, अब इसके अंदर पुट कर दो भाई तू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली हाफ के ए स्क्वायर बाय 4, इसको और सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ के 3a² / 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो बताना है, तो बस एक के टू पी बताना है, तो के को ऊपर और पी को नीचे डाल दो, ठीक है। तो दिस इज 1/2 हम करेंगे, तो ये के अपॉन पी कितना आ जाएगा, देखो सारी चीजें सेम सेम है, ठीक है ना, तो काटा फांसी होने के बाद कितना आएगा, 3:1 आएगा क्या, देखो यहाँ पर करके दिखा देता हूं मैं, उधर जगह नहीं है, तो ये के 1/2 के 3a² / 4, दिस इज 1/2 के a² / 4, ये खत्म एक दूसरे से, 4 से 4, a² से a² खत्म, तो बचा कौन सा हमारे पास, 3:1, यही हमारा क्या है, रेशियो है। यस और नो, है क्या, नहीं भाई, यस सर। ओके नाइस। चलिए 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 चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, ध्यान से समझिए और ध्यान से करिए। यस, तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू क्या दी है, इतनी, एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इसकी इतनी है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पुत्तर निकालिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी हमें दी हुई है 240 जूल, सर मैक्सिमम तो निकल जाएगी, मिनिमम का फॉर्मूला कुछ होता टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो टोटल में से, मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, वो तो जीरो होनी चाहिए ना, मिनिमम तो जीरो होनी चाहिए, है क्या, नहीं है भाई, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ के वाई स्क्वायर, सर। सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के वाई स्क्वायर।
तो मिनिमम तो ये क्या हो सकती है, जीरो, यानी कि मेन पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई हो तो। लेकिन क्या ये वाकई में जीरो होगी, जानने के लिए देखते रहिए अवंती क्लासेस। बेटा सही तो आ रहा है, लेकिन आपने दो ज्यादा लगा दिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालिए, हाफ के 4 × 10^6 ए का स्क्वायर, डेट इज 0.01 का होल स्क्वायर, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी हाफ 4 × 10^6 × 10^-4, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी कितना, 200 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 200 जूल। 160 जूल भी एक आंसर आ रहा है। के मैक्स है क्या भैया? वही मैं कह रहा हूं, 160 जूल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कितनी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, बोलिए, कुछ भी बोलिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बोलिए, बोलो बच्चों, बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या है। मिनिमम, यू मिनिमम, यस, एक आंसर आया जीरो। ठीक है, ओके, और बोलो, क्या कोई बोल नहीं रहा है क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही, या फिर कोई बोल नहीं रहा, बोल के दिखाना जरा कैसी आवाज है आपकी, देखा? यस सर, जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यू मिनिमम होना चाहिए जीरो, बट ये जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना, टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है, 240 है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई 200, तो पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, 40 जूल। बट ये आ क्यों रही है भाई, 40 जूल क्यों आ रही पता है? अरे भाई, ये फिनोमेना हो रहा होता हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, तो पार्टिकल के पास यहाँ पर जो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती MgH, वो कितनी हो जाती, जीरो। यस, बट ये फिनोमेना कहाँ हो रहा है, अर्थ की सरफेस पे नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर उठ के हो रहा है, ठीक है ना, तो इस वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है, जो कि 40 जूल आ रही है। क्लियर कहानी, यस और नो, है ना? ठीक है, तो SHM की वजह से तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इसकी हाइट की वजह से कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक क्वेश्चन और कर लो, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, फिर हम करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 cm एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इट्स एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर। काइनेटिक को पोटेंशियल के बराबर कर दो, एम्पलीट्यूड इसका 4 cm है। फोर सेंटीमीटर,
भाई ऑप्शन ही नहीं है तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है तो ये कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है यही होगा, के लिख सकते हो आप इसकी जगह, तो ये खत्म चीजें एक दूसरे से, ये भी खत्म। ठीक है तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। ठीक है तो y इज गोइंग आउट टू भी कितना हो जाएगा a बाय रूट टू। ठीक है कैपिटल में चलने दो, हाँ कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है तो ये a बाय रूट टू आ गया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है तो 4 बाय रूट टू कितना हो जाएगा, अरे बच्चा हाँ यार तुम लोग 4 बोल रहे थे, सही है सही है सही है, दैट इज करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, 2√2। ठीक है तो सेंटीमीटर के अंदर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, क्लियर है, आ गई बात समझ में, हो गया लाइव जिंगल वाला। हाँ डी भी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है चलिए अच्छी बात है। ठीक है तो आज यही खत्म करते हैं फिर सभा को।